वेलकम टू अल खालिक एकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम वालदैन और अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रिंसिपल अल खालिक एकेडमी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह पाक इस कोरोना की वबा से और दीगर अमराज से हम सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखें और जल्द अज जल्द इस वबा से निजात अता फरमाएं, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना एक आलमी वबा है और इससे तमाम शोबे ज़िंदगी मुतासर हुए हैं, और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला शोबा दरस तदरीस का है। 27 फरवरी 2020 से तमाम तालीमी इदारे बंद हैं और तकरीबन 4 माह से दरस व तदरीस का सिलसिला रुक गया है, जिसकी वजह से तुलबा का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। बहैसियत उस्ताद हम तुलबा का मजीद नुकसान होते हुए नहीं देख सकते, लिहाजा तुलबा को वापस तालीम की तरफ लाने के लिए अल खालिक एकेडमी ने एक ई लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है, यानी बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए नए अंदाज में तालीम दी जाए। तालीम का ये सिलसिला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, एक प्रिंट आउट असाइनमेंट्स और दूसरा वीडियो लेक्चर्स। पहले हिस्से में प्रिंटेड असाइनमेंट्स तुलबा को दिए जाएंगे, जिसमें उस्ताज़ा ने तमाम मज़ामीन के असबाक की मशकों को हल किया है। असाइनमेंट्स में दिया गया तमाम काम तुलबा अपनी कॉपी में करेंगे, और दूसरे हिस्से में हमारे उस्ताज़ा ने इन असबाक को अपने वीडियो लेक्चर्स में मुकम्मल तौर पर समझाया है। बच्चा इन वीडियोस को बार बार देखेगा, सुनेगा, समझेगा, और फिर भी अगर समझने में कोई कसर रह जाती है तो तमाम हिफाजती तदबीर इख्तियार करते हुए स्कूल आकर अपने टीचर से समझ सकता है। ये वीडियोस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज दी जाएंगी। अगर किसी वालदैन के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद ना हो तो वो ये वीडियोज़ स्कूल से आकर USB, SD कार्ड या मोबाइल में ले सकते हैं। लिहाजा तमाम वालदैन जल्द अज जल्द अगली क्लास का कोर्स खरीदें और स्कूल ऑफिस से तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने बच्चों का असाइनमेंट ले लें, ताकि तालीम का सिलसिला जल्द अज जल्द शुरू हो जाए। अब ये वालदैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो कदम बढ़ाएं और बच्चों को तालीम की तरफ वापस ले करें और स्कूल के साथ तआवुन करें, ताकि जब तक ये लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, ज़्यादा ना सही, बच्चे कुछ तो आगे बढ़ें। अपना और अपने प्यारों का और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए। आप हमारे लिए और हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह आपका और हम सबका हामी नासिर। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।